सबसे पहले बड़ी खबर है, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी कल लेंगे अजमेर में संभाग बैठक। अजमेर संभाग के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, विस्तारक की लेंगे बैठक। सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायकों की भी बैठक लेंगे। जिला प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, प्रधान की बैठक लेंगे प्रहलाद जोशी। प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व जिलाध्यक्षों की बैठक लेंगे। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर भी चर्चा करेंगे। जयपुर में 1 अगस्त के आंदोलन को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में नहीं सहेगा राजस्थान ये अभियान की शुरुआत भाजपा की तरफ से की गई। जेपी नड्डा खुद आए थे जयपुर, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी और इसके बाद इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर घेरा जा रहा है। लेकिन बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी कल अजमेर में संभाग बैठक लेने वाले हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे इस बैठक से जुड़ी हुई। ऐश्वर्य, क्योंकि अब बीजेपी चुनावी मोड में तो आ गई है, जिस तरीके से अभियान भी शुरू किया गया है भाजपा की तरफ से, लेकिन कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बैठक लेने वाले हैं। देखिए, प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में कल बैठक है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम प्रमुख नेता हैं वो अलग अलग संभागों में जा रहे हैं, उसी के तहत प्रहलाद जोशी अजमेर जा रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद जोशी चुनाव के प्रभारी हैं। तो ऐसे में प्रहलाद जोशी का यहाँ पर आना, बैठक लेना सर्वाधिक चर्चाओं में है। हालांकि बैठकें जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, लगातार बैठकें चलती रहती हैं, सामान्य सा एक प्रोसेस है बैठकें होने का। लेकिन चुनाव पास में है तो ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक में जो अगर हम पूरे संभागों की अगर बात करते हैं दीपिका, तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, इस तरीके से सभी अलग अलग संभागों में बैठकें हैं। विजय राहटकर है, बीकानेर में रहेंगी। अरुण सिंह है, उन्हें जयपुर में रहना है। अरुण सिंह भी कल जयपुर में रहेंगे जी। उसके अलावा अरुण सिंह जो है वो सीकर भी जाएंगे। सीपी जोशी भरतपुर जा रहे हैं, भरतपुर संभाग की कमान उनके पास है। चंद्रशेखर दो संभागों में है, उदयपुर और जोधपुर में है। अजमेर में प्रहलाद जोशी है, कोटा में सीपी जोशी है। इस तरीके से ये प्रमुख नेता जो है, संगठन के प्रमुख नेता जी, ये अपनी अलग अलग बैठकें जाकर लेंगे, क्योंकि ये एक चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है दीपिका। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, और जिस तरीके से हमने देखा था कि जब चुनाव प्रभारी बनाया गया था प्रहलाद जोशी को, वो उसके बाद आए भी थे जिम्मेदारी के बाद, बैठक उस समय भी उन्होंने ली थी। तो क्या ये जो बैठक वो लेने वाले हैं, टास्क तो दे दिया गया है, किस तरीके से धरातल पर उतरना है इसको देखा जाएगा, और भी निर्देश दिए जाएंगे बैठक में फिर? देखिए, यहाँ पर अभी प्रहलाद जोशी फिलहाल टास्क तो देंगे ही, लेकिन उनका फोकस रहेगा अजमेर संभाग की पूरी गणित को समझना और यहाँ की मुख्य जो समस्याएं हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के सामने भी कई समस्याएं होती है, कार्यकर्ताओं के सामने भी कई चुनौतियां होती हैं, उनको समझने की ये कोशिश करेंगे जी। ये अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान का मिजाज दीपिका थोड़ा सा अलग है। राजस्थान ऐसा नहीं कि अजमेर संभाग जैसा ही पूरा राजस्थान के दूसरे संभाग होंगे, राजस्थान बिल्कुल अलग अलग है। मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, हाड़ौती अलग है, बीकाणा अलग है, ढूंढाड़ अलग है। तो अलग अलग अंचलों की भाषाएं अलग अलग है, राजनीति अलग अलग है, मुद्दे अलग अलग है, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है। तो उस लिहाज से सीपी जोशी अजमेर में जा रहे हैं। जयपुर और अजमेर संभाग दोनों संभागों में भी अंतर जी। अगर आप नागौर को उठाकर देखिए, ये अजमेर संभाग में आता है। जयपुर संभाग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर है। तो वो चाहेंगे कि यहाँ की नब्ज को टटोला जाए, यहाँ की संगठन की नब्ज को टटोला जाए, और उस नब्ज को टटोलने के बाद आगामी रणनीति तो बनाई जाए, संगठन को फीडबैक भी साथ में ही दिया जाए। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।